एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो जो लास्ट लेक्चर है, लास्ट लेक्चर में हमने एंट्रोपी, चेंज ऑफ द यूनिवर्स से रिलेटेड आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, राइट? जो आपके पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो प्रॉब्लम्स आए हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स के बारे में हमने बात की थी, राइट? नाउ ये जो आपके पास लेक्चर है, इसमें भी हम बात करने वाले हैं आपके पास प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है? जो कि आपके पास गेट 2014 में आपके पास पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके पास गेट 2014 का आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है, एन अमाउंट ऑफ 100 किलोवाट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ वॉल इन स्टेडी स्टेट, वन साइड ऑफ द वॉल इज मेंटेन एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर साइड इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, द एंट्रोपी जनरेटेड, ठीक है? आपके पास इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ है द एंट्रोपी जनरेटेड इन वॉट पर केल्विन ड्यू टू हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल इज, राइट? सो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम है आपके पास एंट्रोपी जनरेशन का या फिर आपके पास एंट्रोपी प्रोडक्शन का, राइट? अब देखिए, अब आपके पास ये जो एंट्रोपी जनरेशन या एंट्रोपी प्रोडक्शन, ये बेसिकली है क्या चीज, ठीक है? पहले आप उन चीजों को समझिए, देन आपके पास ये प्रॉब्लम को आप क्रैक कर पाओगे, राइट? सो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे एंट्रोपी जनरेशन का, तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बड़ा आसान है, और अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, देन ये प्रॉब्लम आपके लिए आपके पास टफ है और ये प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा, राइट? तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है? वंस विल गेट द आइडिया अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बार हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, देन हमारे पास फिर से हम वापस आएंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, राइट? सो देखिए, एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन और एंट्रोपी प्रोडक्शन, और एंट्रोपी प्रोडक्शन ये है क्या चीज, एंट्रोपी जनरेशन और एंट्रोपी प्रोडक्शन है क्या चीज, राइट? अब देखिए, अगर आप कोई एक सिस्टम मानते हो, मान लो आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, दिस इज द सिस्टम, राइट, एंड दिस इज द सराउंडिंग, राइट? आपके पास ये, आपके पास सिस्टम है और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो आपके पास सेपरेट करता है, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप बोलते हो बाउंड्री। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बाउंड्री है, राइट? अब देखिए, किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है, ठीक है, किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करते हैं, तो किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो दो फैक्टर्स के कारण से होता है, ठीक है? किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है, वो एंट्रोपी चेंज आपके पास दो फैक्टर्स के कारण से होता है। एक आपके पास होता है ड्यू टू हीट ट्रांसफर, ठीक है, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है, ठीक है? जो सेकेंड होता है वो आपके पास क्या होता है, वो होता है आपके पास एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, राइट? जैसे कि पुराने प्रीवियस जो लेक्चर्स है, उसमें भी मैंने बातें की थी रिगार्डिंग इररिवर्सिबिलिटी, ठीक है? अगर आपके पास कोई प्रोसेस, अगर आपके पास रिवर्सिबल है, ठीक है, और कोई प्रोसेस अगर आपके पास इररिवर्सिबल है, ठीक है, मैं दो प्रोसेस की बात करता हूं, एक प्रोसेस मेरे पास रिवर्सिबल है और आपके पास जो दूसरा प्रोसेस है वो मेरे पास क्या, इररिवर्सिबल। सो अगर सेकेंड प्रोसेस अगर मेरे पास इररिवर्सिबल है, तो वो उस प्रोसेस के इररिवर्सिबल होने का कारण क्या है? गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई प्रोसेस इररिवर्सिबल होता है, तो आपके पास उस प्रोसेस के इररिवर्सिबल होने का आपके पास जो रीजन है, वो रीजन क्या है? तो जो रीजन होता है, वो रीजन आपके पास होता है, एक होता है आपके पास एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपके पास इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी। एक आपके पास होता है एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी, एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी, और सेकेंड जो होता है दैट इज इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी, इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी, राइट? अब देखिए, एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी के कारण से भी एंट्रोपी चेंज होता है, और आपके पास इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी के कारण से भी आपके पास सिस्टम का जो एंट्रोपी है वो चेंज होता है। पहले समझिए, एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी का कारण क्या होता है, इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी किसके कारण से आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, बिकॉज ऑफ हीट ट्रांसफर, या आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो डेफिनेटली हीट ट्रांसफर होगा, सो बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस जो आपके पास इररिवर्सिबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी, राइट? इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी किसके कारण से होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सो जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, मान लीजिए आपके पास एक एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में आपके पास क्या होगा, इंटरनल फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, ठीक है? और उस इंटरनल फ्रिक्शन के कारण से जो इररिवर्सिबिलिटी होती है, दैट इज नथिंग बट द इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी, और उसके कारण से भी आपके पास क्या होता है, किसी भी सिस्टम का जो आपके पास एंट्रोपी है, वो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी आपके पास चेंज होता है, राइट? वैसे ही यहां पे हमने बात की, अगर हम एंट्रोपी चेंज सिस्टम की बात करते हैं, तो सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है,
किसके किसके कारण से हो सकता है? सो एंट्रोपी चेंज ड्यू टू दैट, फर्स्ट इज ड्यू टू हीट ट्रांसफर, प्लस सेकेंड किसके कारण हो सकता है? ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर हो गई बात? सो किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी चेंज किसके कारण से हो सकता है? ड्यू टू हीट ट्रांसफर, एंड आपके पास सेकेंड है ड्यू टू फ्रिक्शन। सो एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर ऑलरेडी हमने काफी बात की है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स हमने लगाए हैं, ठीक है, कि भाई अगर आपके पास हीट ट्रांसफर हो रहा है तो आपके पास सिस्टम का एंट्रोपी चेंज कैसे हो रहा है, तो ऑलरेडी ये सारी बात हमने पहले कर ली है, राइट। अब आपको ये समझना है कि अगर हम एंट्रोपी चेंज ड्यू टू फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो ये है, ये कैसे होगा, ठीक है। सो बेसिकली जो एंट्रोपी चेंज ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है, इसी को हम नाम दे देते हैं, किसका? इसी को हम नाम दे देते हैं एंट्रोपी जनरेशन का, एंट्रोपी जनरेशन। सो जो एंट्रोपी चेंज है ड्यू टू फ्रिक्शन, वही आपके पास क्या है? वही आपके पास एंट्रोपी जनरेशन है। गेटिंग माई पॉइंट? सो किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो किसके किसके कारण से हो सकता है? ड्यू टू हीट ट्रांसफर एंड ड्यू टू फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन के कारण से जो एंट्रोपी चेंज है सिस्टम का, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन, राइट। और एंट्रोपी, सी एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी आपके पास क्या होता है? एंट्रोपी आपके पास पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। एंट्रोपी आपके पास क्या है? एंट्रोपी आपके पास पॉइंट फंक्शन होता है। बट एंट्रोपी जो चेंज होता है, सॉरी, एंट्रोपी प्रोडक्शन जो होता है या एंट्रोपी जो जनरेशन होता है, वो आपके पास एक पाथ फंक्शन होता है। बिकॉज सी आपके पास जो भी एंट्रोपी जनरेशन है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स। सो बेसिकली जो फ्रिक्शन जो होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इसीलिए आपके पास जो एंट्रोपी जनरेशन है या एंट्रोपी जो प्रोडक्शन होता है, ये भी आपके ऊपर पाथ डिपेंडेंट होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आपके पास पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है, एक चीज आपके पास समझने लायक ये है कि जो एंट्रोपी जनरेशन की हम बात करते हैं, ये आपके पास क्या है? दैट इज पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। और पाथ डिपेंडेंट है इसका मतलब डेफिनेटली इट इज अ पाथ फंक्शन, और पाथ फंक्शन इसका मतलब ये आपके पास क्या है? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये आपके पास इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन ये होता है कि एंट्रोपी जनरेशन, जैसे इसी प्रॉब्लम में आप देखोगे तो आपके पास एंट्रोपी जनरेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि पर्टिकुलर ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, इस प्रॉब्लम में आपके पास कितना एंट्रोपी जनरेशन होगा या कितना एंट्रोपी प्रोडक्शन होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंट्रोपी जनरेशन है या ये जो एंट्रोपी प्रोडक्शन है, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। तो अब देखिए, अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम हमारे पास क्या हो सकता है? सिस्टम हमारे पास दो टाइप का सिस्टम होता है, सबको पता है आपके पास सिस्टम बेसिकली तीन टाइप का सिस्टम होता है, बट बेसिकली यहां पे हम बात किसकी कर रहे हैं? यहां पे हम बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम और हम बात कर रहे हैं ओपन सिस्टम की, राइट। सो अगर हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम, ठीक है, अगर हमें एंट्रोपी जनरेशन निकालना है इन केस ऑफ द क्लोज सिस्टम, सो क्लोज सिस्टम के केस में हम एंट्रोपी जनरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या, मैं बोल सकता हूं, सी दैट इज नथिंग बट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, दैट इज डीएस। नाउ एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर हम क्या लिखते हैं? दैट इज नथिंग बट द डी क्यू डिवाइडेड बाई टी, दैट एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर दैट इज नथिंग बट द डी क्यू डिवाइडेड बाई टी प्लस नाउ एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, एंट्रोपी जनरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन, या फिर आपके पास एंट्रोपी चेंज ड्यू टू फ्रिक्शन या एंट्रोपी जनरेशन, दैट एंट्रोपी जनरेशन इज नथिंग बट द, क्या लिख सकते हैं? दैट इज नथिंग बट द एंट्रोपी का जनरेशन, ये लीजिए, राइट। सो आपको पता है इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल है, और इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल का जो आपके पास जो साइन होता है, दिस इज द साइन ऑफ द इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब देखिए, अब यहां से आपके पास डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, नाउ यहां पे ये समझने वाली बात है कि ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, ठीक है। सो ये टेम्परेचर आपके पास बेसिकली किसका टेम्परेचर है? बाउंड्री का टेम्परेचर है, ठीक है। और बाउंड्री का टेम्परेचर, जैसे कि सपोज अगर मान लेता हूं मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक क्लोज सिस्टम है, पहले क्लोज सिस्टम की बात करते हैं फिर हम ओपन सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास यहां पे क्लोज सिस्टम, सो क्लोज सिस्टम में आपके पास जब हीट एनर्जी मान लीजिए इन हो रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी आपके पास इन हो रहा है, और आपके पास हीट एनर्जी आपके पास क्या हो रहा है? हीट एनर्जी आपके पास आउट हो रहा है, राइट। अब देखिए, जब हीट एनर्जी इन हो रहा है तो अब आपके पास बाउंड्री का टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर से आपके पास हीट एनर्जी का इन हो रहा है, वो आपके पास क्या है? टीबी। और आपके पास जिस टेम्परेचर पे बाउंड्री से आउट हो रहा है, मतलब बाउंड्री का टेम्परेचर जिस पे आउट हो रहा है, आपके पास यहां का जो टेम्परेचर है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है टीबी डैश, राइट। सो हीट एनर्जी इन हो रहा है, यहां पे बाउंड्री का टेम्परेचर क्या है? दैट इज टीबी। हीट एनर्जी आउट हो रहा है तो बाउंड्री का टेम्परेचर क्या है? बाउंड्री का टेम्परेचर आपके पास है टीबी डैश, राइट। हो सकता है कि आपके पास ये आपके पास Q12 हो सकता है ये आपके पास Q-12 हो,
मतलब आपके पास जो एनर्जी इन हो रहा है वो आपके पास डिफरेंट है और आपके पास जो एनर्जी आउट हो रहा है वो डिफरेंट है, माइट बी पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी है, राइट। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में अगर हम चीजों को जनरलाइज्ड करें, ठीक है, अगर हम जनरलाइज्ड करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट डीएस इज इक्वल टू समेशन डी क्यू बाई टीबी, हम ये लिख सकते हैं, दैट डीएस इज इक्वल टू समेशन डी क्यू बाई टीबी प्लस ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास एंट्रोपी जनरेशन, राइट। सो डीएस इज इक्वल टू समेशन डी क्यू बाई टीबी प्लस आपके पास एंट्रोपी जनरेशन, क्योंकि आपके पास एनर्जी इन हो रहा है, बाउंड्री का टेम्परेचर टीबी है, एनर्जी आउट हो रहा है, सो बाउंड्री का टेम्परेचर आपके पास डिफरेंट है, राइट। सो इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट द समेशन प्लस आपके पास एंट्रोपी जनरेशन, समेशन ऑफ डी क्यू बाई टीबी प्लस एंट्रोपी जनरेशन, राइट। अब देखो एंट्रोपी जनरेशन अगर आप फाइंड आउट करना है, देख लो एंट्रोपी जनरेशन निकालने के लिए आपके पास कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, एंट्रोपी जनरेशन निकालने के लिए आपके पास जो भी है एंट्रोपी जनरेशन आप कहां से निकालेंगे, आप यहीं से निकालेंगे, एंट्रोपी जनरेशन इज इक्वल टू क्या करोगे, दैट डी एस माइनस ये हो जाएगा समेशन डी क्यू बाई टीबी। जैसे आप देखते हो अगर आपको क्या निकालना होता है, अगर आपको चेंज इन एंट्रोपी ड्यू टू हीट ट्रांसफर निकालना होता है तो देर इज नंबर ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे आप देखते हो कि आपके पास आप फेस चेंज के केस में आप एंट्रोपी चेंज कैसे निकालोगे, या फिर आपके पास अराउंड रिजर्वायर के केस में एंट्रोपी चेंज हो रहा है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, डिफरेंट रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आपके पास एंट्रोपी चेंज आप कैसे फाइंड करोगे, सो यू हैव डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर निकालने के लिए, बट अगर एंट्रोपी जनरेशन आपको फाइंड करना है तो दिस इज द वे, ठीक है, आपके पास इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंट्रोपी जनरेशन आप क्या कर सकते हो, एंट्रोपी जनरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। अगर इसको रेट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, रेट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तो जो भी बात यहां पे क्या हो रही है, क्लोज सिस्टम की, क्योंकि जब ओपन सिस्टम आएगा तो डेफिनेटली ओपन सिस्टम आएगा तो मास इन होगा मास आउट होगा, तो जब मास इन होगा तो आपके पास एंट्रोपी एसोसिएट होगी उस मास के साथ, जब मास आउट होगा तो उसके साथ एंट्रोपी एसोसिएट होगी, तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास फैक्टर भी आ जाएगा, ठीक है, बट यहां पे बात किसकी हो रही है, यहां पे बात हो रही है क्लोज सिस्टम की। सो यहां से अगर मैं रेट फॉर्म में लिखूं, रेट फॉर्म, सो रेट फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, अगर मैं रेट फॉर्म में लिखूं तो रेट फॉर्म में क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन That is equal to ये हो जाएगा आपके पास ds by dt minus summation dq dot by tb, right? So ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास rate form में, so rate of entropy generation is equal to rate of entropy change of the system minus summation dq dot by tb, right? So इसको आप इस वे में भी लिख सकते हो, ठीक है, आपको इजी पड़ेगा, ये हो गया आपके पास ds by dt, जैसे पहले आपने लिखा था ds by dt इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास समेशन डी क्यू डॉट बाई टी बी प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो गया आपके पास एंट्रोपी का जनरेशन, ये लीजिए, राइट। अब देखिए, अब अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास, ठीक है, जो भी आपके जैसे आप देखोगे, अगर आपके पास फ्लो जो है हीट एनर्जी का, अगर मैं फ्लो बोल दूं तो आपके पास अगर सिस्टम स्टडी है, ठीक है, मतलब आपके पास स्टडी कंडीशन मेंटेन है, स्टडी कंडीशन अगर मेंटेन है, स्टडी कंडीशन अगर मेंटेन है तो हम क्या लिख सकते हैं, स्टडी कंडीशन अगर मेंटेन होगी तो हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि स्टडी का मतलब क्या होता है, स्टडी का मतलब ये होता है द चेंज ऑफ एनी पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, ठीक है, और चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्टडी, राइट। सो अगर हम स्टडी स्टेट कंडीशन की हम बात करते हैं, स्टडी स्टेट कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी में जो चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज जीरो, ठीक है, प्रॉपर्टी में जो चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में वो आपके पास कितना हो जाएगा, वो आपके पास जीरो हो जाएगा, अगर हम बात करते किसकी, अगर हम बात करते स्टडी स्टेट कंडीशन की, क्लियर हो गई बात, ठीक है, तो समझना चीजों को ध्यान से, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे, राइट। अगर मेरे को बोलता हूं किसी भी सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो दो फैक्टर के कारण से होता है, ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एंड ड्यू टू एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण से जो एंट्रोपी में चेंज होता है सिस्टम का उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन, और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी किसके कारण से होता है, दैट इज ड्यू टू इंटरनल मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन, सो इंटरनल मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन के कारण से जो भी एंट्रोपी में चेंजेस होने वाला है दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी जनरेशन, एंड एंट्रोपी जनरेशन इज अ पाथ फंक्शन बिकॉज फ्रिक्शन डिपेंडेंट ऑन द पाथ, ठीक है, फ्रिक्शन आपके पास पाथ के ऊपर डिपेंडेंट करता है, इसलिए एंट्रोपी जनरेशन आपके एंट्रोपी जनरेशन किस पर डिपेंड करेगा, पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट्स व्हाई इट इज अ इनएक्जैक्ट डिफरेंशियल ऑल्सो,
राइट। अब देखिए अगर एंट्रोपी जनरेशन आपको फाइंड आउट करना है तो बेसिकली जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो दो टाइप के सिस्टम के लिए फ्रेम होता है, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास ओपन सिस्टम है और एक आपके पास क्या है, एक आपके पास है क्लोज सिस्टम। यहां पे हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, यहां पे हम पहले बात कर रहे हैं क्लोज सिस्टम। सो क्लोज सिस्टम के केस में अगर हम जैसे सपोज दिस इज अ क्लोज सिस्टम, सो क्लोज के सिस्टम के केस में अगर हमें एंट्रोपी जनरेशन फाइंड आउट करना है तो हम एंट्रोपी जनरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो एंट्रोपी जनरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम दैट इज ड्यू That is equal to entropy change due to heat transfer plus entropy generation, right? अब देखो अगर आपके पास यहां पे summation का sign मैंने क्यों लगाया है, summation का sign मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि might be possibility आपके पास जो heat transfer हो रहा होगा वो different different आपके पास sources से heat transfer हो रहा होगा, ठीक है, या आपके पास heat transfer to the system हो रहा होगा या फिर heat transfer from the system हो रहा होगा, राइट। एट द सेम टाइम आपके पास क्या है, बाउंड्री का टेम्परेचर जिससे हीट ट्रांसफर इन हो रहा है वो बाउंड्री का टेम्परेचर अलग है, हीट ट्रांसफर जिससे आउट हो रहा है उस बाउंड्री का टेम्परेचर अलग अलग है। सो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे सभी का इफेक्ट लेना है, तो आपके पास यहां पे क्या हो गया, ये हो गया समेशन। सो दैट इज समेशन डी क्यू बाई टीबी प्लस एंट्रोपी जनरेशन। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। रेट फॉर्म में लिखना है इसी चीज को, तो रेट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, रेट फॉर्म में आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज चेंज ऑफ एंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस समेशन डी क्यू डॉट बाई टीबी प्लस समेशन डी क्यू डॉट बाई टीबी प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। और अगर रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन आपको फाइंड आउट करना है तो डी एस बाई डी टी माइनस समेशन डी क्यू बाई टीबी। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब देखो अब आपके पास अगर मैं बोलता हूं कि स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, स्टडी स्टेट कंडीशन मतलब आपके पास टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी में जो चेंजेस है वो जीरो है, ठीक है। स्टडी स्टेट मतलब है टाइम के साथ प्रॉपर्टी में जो चेंजेस है वो आपके पास जीरो है, उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, उस केस में आपके पास द डी एस बाई डी टी दिस टर्म इज जीरो बिकॉज एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी, राइट। सो चेंज ऑफ प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, अगर ये जीरो है तो आपके पास ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो दिस इज नथिंग बट द एंट्रोपी जनरेशन, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। और एक चीज और समझिएगा, अगर हम एंट्रोपी जनरेशन की बात करते हैं, एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है, अगर मैं टोटल फॉर्म में लिख देता हूं, यहां पे मैंने डेरिवेटिव फॉर्म में लिखा है, दैट्स व्हाई यहां पे मैंने इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल का साइन यूज किया है, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं एंट्रोपी जनरेशन की बात करता हूं या रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन की बात करता हूं, सो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आप समझना, ठीक है, कि आपके पास जो रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ठीक है। इक्वल टू जीरो किसके लिए होगा, अगर हम एंट्रोपी जनरेशन की बात करते हैं तो इक्वल टू जीरो किसके लिए होगा, अगर आपके पास प्रोसेस क्या है, अगर आपके पास प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में इट इज अ कंप्लीटली रिवर्सिबल, मतलब इंटरनल इररिवर्सिबिलिटी भी जीरो है और एक्सटर्नल इररिवर्सिबिलिटी भी जीरो है, तभी तो आपके पास वो कंप्लीटली रिवर्सिबल होगा, राइट। सो अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं बात करता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में दैट एंट्रोपी जनरेशन इज जीरो, लेकिन अगर प्रोसेस मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास प्रोसेस इररिवर्सिबल है, उस केस में आपके पास क्या है, उस केस में आपके पास जो एंट्रोपी जनरेशन होगा दैट इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर आपके पास रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन निगेटिव आता है या एंट्रोपी जनरेशन आपके पास निगेटिव आता है, इस केस में वो प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस इम्पॉसिबल है, वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एंट्रोपी जनरेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, राइट। सो दैट एंट्रोपी जनरेशन या फिर रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन आप बोल लो, ठीक है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। सो रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन जीरो इन केस ऑफ द रिवर्सिबल प्रोसेस, ग्रेटर देन जीरो इन केस ऑफ द इररिवर्सिबल प्रोसेस, एंड लेस देन जीरो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास वो प्रोसेस इंपॉसिबल है। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। सो अब आपके पास अगर इतना इंफॉर्मेशन है तो इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, राइट। सो यहां से अगर आप देखोगे, ठीक है, सो ये मैं हटा देता हूं, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, अब आपके पास क्वेश्चन में क्या बोल के रखा हुआ है कि 100 किलोवाट हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ वॉल इन स्टडी स्टेट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल दिया, स्टडी स्टेट बोल दिया है, ठीक है। सो स्टडी स्टेट बोल दिया, वन साइड ऑफ द वॉल इज मेंटेन एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड द अदर साइड इज एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो ये आपके पास वॉल है, दिस इज द वॉल, राइट, और ये वॉल है, इस वॉल का ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कितना मेंटेन है, दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस, 127 डिग्री सेल्सियस ये मेंटेन है, ठीक है। और आपके पास जो दूसरा वॉल है ये कितने डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास मेंटेन है। सो दिस इज द वॉल,
वॉल का आपके पास ये टेम्परेचर आपके पास 127 डिग्री सेल्सियस पे है और ये टेम्परेचर आपके पास 27 डिग्री सेल्सियस पे है और ये आपके पास मेंटेन है, इसका मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास बोल के रखा हुआ है, कहीं पे टर्म लिखा होगा मेंटेन्ड। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मेंटेन्ड का मतलब ये है कि आपके पास टाइम के साथ में उस वॉल का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्टडी स्टेट कंडीशन है। राइट, और स्टडी स्टेट कंडीशन में आपके पास कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो क्वेश्चन में आपके पास ट्रांसफर दिया हुआ है 100 किलोवाट। सो डेफिनेटली इफ दिस टेम्परेचर इज 127, दिस टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, सो हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सो हीट एनर्जी का आपके पास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। नाउ क्वेश्चन में आपके पास बोल के रखा है कि भैया आप मेरे को ये बताइए कि आपके पास एंट्रोपी जनरेशन, द एंट्रोपी जनरेटेड ड्यू टू हीट ट्रांसफर थ्रू द वॉल कितना होगा, एंट्रोपी जनरेशन आपको फाइंड आउट करना है। राइट, सो सबसे पहले यहां से अगर आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो आपके पास वॉल में एंट्रोपी जनरेशन निकालना है। ठीक है, आपके पास बोल के रखा हुआ है वॉल में एंट्रोपी जनरेशन निकालना है, तो वॉल मेरे लिए क्या बन गया, वॉल मेरे लिए सिस्टम है, वॉल का एंट्रोपी जनरेशन निकालना है तो वॉल मेरे लिए क्या हो गया, वॉल मेरे लिए सिस्टम है और ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया बाउंड्री। राइट, ये मेरे लिए क्या हो गया, ये मेरे लिए हो गया बाउंड्री। अब देखो, अब यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास, ठीक है समझना ध्यान से, दैट एंट्रोपी जनरेशन ऑफ एनी सिस्टम इज ड्यू टू टू फैक्टर्स, वन इज एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर प्लस अनदर इज एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी दैट मीन्स फ्रिक्शन। राइट, सो एंट्रोपी चेंज ऑफ द एनी सिस्टम या क्लोज सिस्टम ड्यू टू, दैट इज एंट्रोपी चेंज ड्यू टू हीट ट्रांसफर प्लस आपके पास एंट्रोपी चेंज और एंट्रोपी जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। राइट, नाउ यहां से आपके पास, यहां से अगर रेट फॉर्म में अगर लिखोगे, फिर से अगर इसको हम रेट फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट द डी एस बाई डी टी दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास डी क्यू डॉट बाई टी बी, ठीक है, समेशन प्लस दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। राइट, नाउ यहां से अगर आप देखोगे, अब देखिए, अब क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल के रखा हुआ है, स्टडी बोल के रखा हुआ है, तो स्टडी अगर बोल के रखा हुआ है क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपके पास स्टडी बोला हुआ है, और अगर सपोज स्टडी नहीं, स्टडी आपके पास यहां पे टर्म नहीं होता और क्वेश्चन में लिखा होता कि भाई मेंटेन है, तो भी आपको समझना है, अगर आपके पास मेंटेन है इसका मतलब क्या, इसका मतलब उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकंड पे भी 127 मेंटेन है, टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड में भी 127 है, टाइम टी इज इक्वल टू 30 सेकंड में भी आपके पास 127 है, सो दैट इज मेंटेन, दैट मीन्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इफ इट इज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट मीन्स आपका क्या होगा, आपके पास स्टडी स्टेट कंडीशन है। राइट, सो स्टडी स्टेट कंडीशन है, स्टडी कंडीशन है, तो डी एस बाई डी टी क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो। नो यहां से अगर मैं एंट्रोपी जनरेशन की बात करता हूं, एंट्रोपी जनरेशन, सो दैट इज नथिंग बट द समेशन, ये हो जाएगा आपके पास डी क्यू डॉट बाई टी बी, ये लीजिए विथ माइनस साइन। राइट, अब देखो, अब आपके पास एंट्रोपी जनरेशन आपको फाइंड आउट करना है, सो एंट्रोपी जनरेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, एंट्रोपी जनरेशन, चलिए एंट्रोपी जनरेशन, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन आपको फाइंड आउट करना है, सो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, नाउ सी माइनस साइन है यहां पे, नाउ डी क्यू डॉट बाई टी बी। अब देखो यहां पे ये जो अगर आपके पास वॉल है, वॉल आपका सिस्टम है, अब देखिए हीट एनर्जी जो इन हो रहा है, तो आपके पास ये जो फेज आप देख रहे हो जो 127 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन है, वहां से जो हीट एनर्जी इन हो रहा है उसके लिए बाउंड्री का टेम्परेचर कितना है, दैट इज 127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बाउंड्री का टेम्परेचर आपके पास कितना है, बाउंड्री का टेम्परेचर आपके पास 127 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर सिस्टम में हीट एनर्जी इन हो रहा है तो उसको हम क्या लेते हैं, उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये हो गया प्लस 100 किलोवाट डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कितना है, जिस टेम्परेचर बाउंड्री का वो टेम्परेचर जहां से हीट एनर्जी इन हो रहा है वो कितना है, 127 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा आपके पास 127 प्लस 273। राइट, अब देखिए आपके पास जितना इन हो रहा है उतना आउट होगा, ठीक है, स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है, तो यहां से जितना इन होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, आउट होगा, जितना एनर्जी इन उतना एनर्जी आउट, कोई भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा हीट एनर्जी का इनसाइड द वॉल। राइट, अब देखिए, अब आपके पास जब आउट हो रहा है तो आउट हो रहा है तो बाउंड्री का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस, सो अगर सिस्टम से आउट हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, माइनस, कितना आउट हुआ, 100 आउट हुआ, 100 किलोवाट आउट हो रहा है, सो बाउंड्री का टेम्परेचर कितना है, बाउंड्री का टेम्परेचर है 27 प्लस 273। राइट, सो यहां से अगर आप देखोगे दैट इज अ रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 100 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपके पास 400
माइनस 100 डिवाइडेड बाय ये आपके पास हो गया दिस इज 300 राइट सो यहां से आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है ये आपके पास हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय ये हो गया आपके पास 400 ठीक है तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 माइनस 1/4 सो दिस इज नथिंग बट द ये हो जाएगा 1/12 और व्हाट इज द यूनिट सो दैट यूनिट इज नथिंग बट द ये आपके पास किस में है ये आपके पास किलोवाट में है 100 क्या था 100 किलोवाट पर केल्विन 100 किलोवाट पर केल्विन बट क्वेश्चन में हमके किस में पूछा हुआ है वाट पर केल्विन में पूछा हुआ है सो दिस इज नथिंग बट द 1000 डिवाइडेड बाय 12 वाट पर केल्विन सो दिस इज द एंट्रोपी जनरेशन इन दिस वॉल इस वॉल में आपके पास क्या है एंट्रोपी जनरेशन क्लियर हो गई इतनी बात ठीक है तो कोई भी आपके पास ये आपके पास बेसिकली देखा जाए तो आपके पास जितना हीट एनर्जी ठीक है इसको समझना थोड़ा सा कि जितना हीट एनर्जी इन हो रहा है उतना ही हीट एनर्जी आउट होगा ठीक है स्टेडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है स्टेडी स्टेट कंडीशन यही होता है कि जितना एनर्जी इन उतना एनर्जी आपके पास क्या हो रहा है आउट हो रहा है सो इस वे में हम क्या कर सकते हैं एंट्रोपी जनरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं राइट अब कभी कभी देखिएगा ठीक है और क्वेश्चन अगर फ्रेम हो सकता है तो कैसे फ्रेम हो सकता है हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को और आपके पास थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट को दोनों को ऐड करके आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है जैसे यहां पे आपके पास क्या दे दिया है यहां पे आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दे दिया है ठीक है यहां पे आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हो सकता है कि आपके पास जो नेक्स्ट टाइम अगर क्वेश्चन फ्रेम हो तो किस टाइप से फ्रेम होगा कि यहां पे आपके पास इस वॉल की थर्मल कंडक्टिविटी दे देगा राइट आपके पास ये जो आपके पास एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको दे देगा राइट आपके पास ये जो वॉल है इस वॉल की जो थिकनेस है वो आपके पास दे देगा ठीक है सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप आराम से निकाल सकते हो ठीक है दैट फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को यूज करके फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन दैट क्यू डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स दिस इज अ फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन सो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो आप निकाल सकते हो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वंस यू विल गेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एक बार अगर आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पता चल गया तो आप आराम से क्या निकाल सकते हो तो आप आराम से रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो क्लियर हो गई इतनी बात ठीक है तो ये बात हो गई किसकी ये बात हो गई आपके पास अगर आपके पास सिस्टम क्या है अगर आपके पास सिस्टम क्लोज है ठीक है सो ये आपके पास क्योंकि कोई भी मास इन और कोई भी मास आउट तो हो नहीं रहा है तो इसको हम एज ए क्लोज सिस्टम ट्रीट करके क्वेश्चन को बना सकते हैं ठीक है मास इन नहीं हो रहा है मास आउट नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आपके पास ओपन सिस्टम तो है नहीं ठीक है तो आपके पास ये जो वॉल है ये वॉल आपके पास एक क्लोज सिस्टम है ठीक है सो क्लोज सिस्टम मान के ठीक है या क्लोज सिस्टम लेके ठीक है इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं राइट अब देखो अब अगर आपके पास ओपन सिस्टम हो ठीक है यही पे सारी चीजें मैं कवर कर दे रहा हूं अगर आपके पास ओपन सिस्टम है तो मैंने बोला ओपन सिस्टम के केस में आपके पास क्या होगा मास इन होगा और मास आउट होगा और मास के साथ एसोसिएट होके एंट्रोपी इन होगा और एंट्रोपी आउट होगा क्लियर हो गई इतनी बात सो ओपन सिस्टम के केस में अगर आपको एंट्रोपी एंट्रोपी जनरेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है सो ओपन सिस्टम के केस में आप एंट्रोपी जनरेशन कैसे फाइंड आउट करोगे अगर आपके पास ओपन सिस्टम है और ओपन सिस्टम के केस में अगर आपके पास एंट्रोपी जनरेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है सो जैसे आपने क्लोज सिस्टम के केस में देखा था वैसे ही आपको समझना है ओपन सिस्टम के केस में ठीक है सो मैं फिर से एक बार लिख देता हूं कि अगर मैं क्लोज सिस्टम की बात करता हूं क्लोज सिस्टम सो क्लोज सिस्टम में देखो याद रखना बड़ा आसान है ठीक है अगर आप ब्लाइंडली चीजों को मगअप करोगे तो आप फिर दिक्कत होगी लेकिन अगर कॉन्सेप्ट वाइज जाओगे तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे सो क्लोज सिस्टम अगर आपके पास एंट्रोपी चेंज निकालना है सिस्टम का दो फैक्टर के कारण से हो सकता है आपके पास ड्यू टू आपके पास हीट ट्रांसफर प्लस आपके पास इंटरनल फ्रिक्शन जिसको आप क्या बोलते हो जिसको आप बोलते हो एंट्रोपी जनरेशन ठीक है रेट फॉर्म में लिखना है तो ये हो गया डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी क्यू डॉट बाई टी बी प्लस ये हो जाएगा आपके पास रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन ठीक है जनरलाइज करना है तो जनरलाइज करने के लिए यहां पे मैंने लगा दिया समेशन तो आप लिख सकते हो इस वे में ये लीजिए राइट तो ये आपके पास हो गई बात हो गई क्लोज सिस्टम ना ओपन सिस्टम के केस में अगर आप देखोगे ओपन सिस्टम के केस में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या है ये आपके पास सिस्टम है चलिए ये आपके पास सिस्टम है और ये कैसा सिस्टम है तो मान लीजिए आपके पास ओपन सिस्टम है ये आपके पास सराउंडिंग है राइट नाउ ओपन सिस्टम में आपके पास सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला ये हो गया आपके पास बाउंड्री राइट अब देखो अब आपके पास क्या हो रहा है यहां पे भी आपके पास देखोगे तो जो हीट एनर्जी का इन है और जो हीट एनर्जी का जो आउट है जैसे पहले देखा था जब हीट एनर्जी का जो इन हो रहा है ये जो टेम्परेचर है टीबी हीट एनर्जी का जो आउट हो रहा है ये टेम्परेचर क्या है टीबी डैश
क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। आपके पास देखो, अब आपके पास जब आप बात करते हो किसके, जब आप बात करते हो ओपन सिस्टम, तो ओपन सिस्टम में आपके पास क्या होगा, मास और रेट ऑफ मास क्या होगा, रेट ऑफ मास इन, और रेट ऑफ मास अगर इन हो रहा है तो एंट्रोपी एसोसिएट होगा। नाउ एंट्रोपी एसोसिएट होगा तो ये आपके पास हो गया स्पेसिफिक एंट्रोपी जब आपके पास इन हो रहा है, राइट। अगर आपके पास आउट है तो आउट हो रहा है तो आपके पास ये हो गया एम डॉट, ये हो जाएगा आपके पास आउट, और आपके पास जो स्पेसिफिक एंट्रोपी है दैट इज नथिंग बट द एस आउट, राइट। सो आपके पास मास के साथ एसोसिएट होके एंट्रोपी सिस्टम में आ रहा है और मास के साथ एसोसिएट होके आपके पास एंट्रोपी सिस्टम से जा भी रहा है, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास मास इन मास आउट ये किसमें होता है, ये आपके पास ओपन सिस्टम में होता है। सो ओपन सिस्टम के केस में अगर आपको क्या निकालना है, ओपन सिस्टम के केस में अगर आपको फाइंड आउट करना है क्या एंट्रोपी जनरेशन, सो ओपन सिस्टम के केस में दैट डी एस इज इक्वल टू अगेन दैट इज द समेशन डी क्यू डॉट बाई टी वी प्लस दैट इज द रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन। चलो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ओपन सिस्टम के केस में जब आप देख रहे हो ओपन सिस्टम के केस में जो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज है वो हीट ट्रांसफर के कारण से हो सकता है, इंटरनल फ्रिक्शन के कारण से हो सकता है, प्लस और क्या लिख सकते हैं, देखिए आपके पास क्या होता है सिस्टम में मास आ रहा है और सिस्टम में मास आपके पास जा रहा है, ठीक है। सिस्टम में मास आ रहा है और सिस्टम में मास जा रहा है, सो प्लस समेशन हम लिख सकते हैं एम डॉट जितना भी मास इन हो रहा है और उसके साथ जो एंट्रोपी एसोसिएट है माइनस समेशन आपके पास एम डॉट आउट प्लस एम डॉट आउट मल्टीप्लाइड बाई स्पेसिफिक एंट्रोपी आपके पास जो आउट है। क्लियर होगी इतनी बात, या फिर आपके पास दोनों को और जनरलाइज करें तो ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू समेशन डी क्यू डॉट बाई टी बी प्लस रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन प्लस समेशन एम डॉट आई, ये हो गया आपके पास एस आई माइनस एम डॉट एग्जिट या फिर आउट, ये हो गया एस आउट। क्लियर, सो इस वे में आप क्या निकाल सकते हो, अब देखो अगेन सॉरी दिस इज डी एस बाई डी टी ना, डी एस बाई दिस इज डी टी, रेट फॉर्म में आपने लिखा है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास डी एस बाई डी टी, राइट। सो अगर आपके पास अगर सिस्टम स्टडी है, आपके पास कंडीशन स्टडी स्टेट मेंटेन है, तो आपको पता है स्टडी स्टेट क्या होता है, जितना मास इन उतना मास आउट, जितनी एनर्जी इन उतनी एनर्जी आउट, ठीक है। सो अगर आपके पास स्टडी स्टेट कंडीशन मेंटेन है तो आपके पास ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। सो वहां से भी आप क्या निकाल सकते हो, वहां से भी आप रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। सो इन केस ऑफ द ओपन सिस्टम दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। इन केस ऑफ द क्लोज सिस्टम दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एंट्रोपी जनरेशन, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन, राइट। सो कभी भी आपके पास ओपन सिस्टम से रिलेटेड अगर आपके पास प्रॉब्लम आता है, ठीक है, सो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके पास क्लियर है तो आपके पास क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। क्योंकि देखिए यहां तक आपके पास अगर आप देखोगे तो आपके पास एक तरीके से अगर आप देखोगे अगर ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म अगर मतलब थर्ड टर्म अगर जीरो हो जाए तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा क्लोज सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पास थर्ड टर्म ना तो मास इन हो रहा ना तो मास आउट हो रहा, दैट मीन्स फिक्स मास सिस्टम है, तो क्या बन गया, क्लोज सिस्टम। लेकिन अगर आपके पास मास इन और मास आउट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वो सिस्टम आपके पास कैसा सिस्टम है, ओपन सिस्टम। सो ओपन सिस्टम के केस में रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन इसमें में निकालना, क्लोज सिस्टम के केस में रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन हम इसमें में निकालेंगे। क्लियर हो गई बात, ठीक है। सो दिस इज द अबाउट द एंट्रोपी प्रोडक्शन और एंट्रोपी जनरेशन, राइट। थैंक यू।